आज ना मैं न्यू वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो का नाम होने वाला है स्टोरी वीडियो। तो आपको स्टोरीज बहुत पसंद है, फन विद शैन शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन दबा देना। लेट्स स्टार्ट। मेरी स्टोरी का नाम है पिनोकियो बिकम्स अ रियल बॉय। तो समझ लो पिनोकियो। बहुत ईयर्स अगो एक ना मैन रहता था जिसका नाम था जेपेटो। वो ना लकड़ी के टॉयज बनाता था और कॉटन के यानी ऐसे टॉयज बनाता था फनी वाले। तो एक दिन ना उसने ना एक पपेट बनाया। पपेट तो वो सोचता रात को कि काश मेरे पास भी कोई बॉय होता। तो एक ना मतलब टूटता तारा बोलते ना विश, तो उसने मांगी। और जब वो सो रहा था एक सुंदर सी फेरी आई और वो ना सो रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। वो कहती जेपेटो तुम्हारी बात सच होगी। और अगले दिन जब जेपेटो अपनी शॉप में गया उसको हैरान रह गया। उसने देखा कि जो उसने पपेट पिनोकियो बनाया था वो रियल हो गया और वो बहुत खुश हो गया। वो तो उसने ना पिनोकियो को कुछ क्लोथ्स दिए, तो उसने ना उसको रुपीस पैसे दिए। करेंसीज होती है डॉलर्स पैसे रुपी है ना। तो वो ना जेपेटो ने उसको डॉलर्स दिए और कहा तुम अपने लिए स्कूल बैग स्कूल यूनिफॉर्म कपड़े वगैरह सब ले आना। तो पिनोकियो गया और लाने। एक ना स्नेल आता है, वो कहता मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। एक ना फेरी ना बहुत बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए पैसे चाहिए। तो पिनोकियो ने ना वो पैसे उसको दे दिया और कहा जल्दी से वो फेरी ठीक हो जाए। वो घर गया तो जेपेटो ने पूछा पिनोकियो तुम्हारे कपड़े कहाँ है। उसने कहा मुझे शॉप में ना कोई भी सूट वगैरह पसंद नहीं आया। तो जेपेटो ने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, वो स्नेल उसको वापस रास्ते में मिला। तो फिर उसने कहा थैंक यू पिनोकियो, तुमने तब मुझे पैसे दिए थे उससे फेरी ठीक हो गई। और फेरी ने मुझे ये भी कहा था कि तुम जाके थोड़े से पैसे पिनोकियो को दे दो। पर पिनोकियो ने कहा नहीं नहीं वो पैसे तुम ही रखो, तुम्हें वो काम भी तो आ सकते हैं ना इमरजेंसी में। तो फ्रेंड्स हमने स्टोरी से क्या सीखा, शेयरिंग इज केयरिंग भी सीखा और विश किसी की भी कंप्लीट हो सकती है। सो बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।